जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यह है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट। और आज के वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं कि DSC में भर्ती कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो वीडियो है केवल उनके लिए है जो इंडियन आर्मी में इस समय सर्विस कर रहे हैं और एक दो साल के अंदर रिटायर होने के प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो DSC में जाने से पहले आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, क्या आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट होगी आपका फॉर्म सबमिट करने के लिए, हम पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं एक PDF लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया री एनरोलमेंट इनटू DSC। तो जो लोग DSC में जाना चाहते हैं वो इस सब्जेक्ट से ही समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, JCO और OR हम दोनों के लिए ही डिस्कस करेंगे, इनका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या इनके लिए ज़रूरत होगी जिससे ये दोबारा से रिटायर होने के बाद में आर्मी ज्वाइन कर सकें। क्योंकि इस समय दोस्तों DSC यानी कि डिफेंस सर्विस कॉर्प्स में बहुत बड़ी संख्या में जो है वो भर्तियाँ निकल रही हैं, हर रेजिमेंटल सेंटर में DSC की भर्तियाँ चल रही हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ है JCO, एक तरफ है OR, दोनों के लिए ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात हो रही है कि आप इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं, जल्दी से ही मतलब एक या दो साल के अंदर आपको रिटायर जाना है। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन को क्या होगा, जो JCOs होंगे, सर्विंग JCOs मे सबमिट देयर एप्लीकेशन विद इन 6 मंथ्स बिफोर देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट थ्रू देयर CO टू देयर रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस। तो जो सर्विंग JCO हैं उनके लिए अपनी एप्लीकेशन रिटायरमेंट की डेट से 6 महीने पहले, मतलब उसके बीच में, 6 महीने से ना तो पहले कर सकते हैं ना 6 महीने की बात कर सकते हैं, रिटायरमेंट से 6 महीने के बीच में आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको अपने CO से साइन करा के रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस में भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है OR, लेकिन OR के लिए आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसके बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है अगर मैं JCO OR दोनों का ही डिस्कस करूं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन पे। तो JCOs का जो रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों वो होता है रिकॉर्ड ऑफिस में। ठीक है, तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो आपकी रिकॉर्ड ऑफिस में भेजनी जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों आता है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अगर आप 10th क्लास पास हैं यानी कि मैट्रिक पास हैं तो आपके लिए कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप अगर 10th क्लास पास नहीं हैं, क्योंकि जो JCOs होते हैं काफ़ी सर्विस हो चुकी है उनकी, तो उनके लिए क्या है, हो सकता है कि कुछ JCO 8वीं क्लास पास से भी आर्मी में पहले ज्वाइन होते थे। तो अगर आप 8वीं क्लास पास हैं तो आपको AC1 यानी कि हिंदी एंड AEC3 यानी कि इंग्लिश, आपको ये पास होना जरूरी है, तभी आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट है दोस्तों आपके रैंक के अनुसार, अगर आप सूबेदार मेजर हैं तो आपको 52 ईयर्स, नायब सूबेदार हैं तो आपको 50 ईयर्स, अगर आप सूबेदार हैं तो आपके लिए 50 ईयर्स और नायब सूबेदार हैं तो 48 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और ये एज होनी चाहिए दोस्तों आपकी कब, DSC सेंटर में रिपोर्ट करनी है, मतलब आप रिटायर हो गए, आपने DSC का फॉर्म भरा, उसके बाद में क्या हुआ, आपका नंबर भी DSC में आ गया, आप DSC सेंटर में रिपोर्ट करने से पहले आपकी जो एज है वो 52 ईयर्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए, तब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं दोस्तों कैरेक्टर, ये बहुत मेन चीज़ है कैरेक्टर। ठीक है, तो JCOs के केस में दोस्तों क्या होता है, शुड बी एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी आपका जो कैरेक्टर है वो होना चाहिए। ये केवल वही लोग समझ पा रहे होंगे आज के इस वीडियो को जो कि आर्मी में ज्वाइन हो चुके हैं और आर्मी में सर्विस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप रिटायर होते हैं तो आपके डिस्चार्ज बुक पे आपका कैरेक्टर मार्क किया जाता है कि आपके सर्विस के दौरान आपका कैरेक्टर कैसा था। तो JCOs को अगर री एनरोलमेंट होना है DSC में तो उनका जो कैरेक्टर है वो एग्जाम्पलरी होना जरूरी होता है। अब बात करते हैं दोस्तों एक मेन चीज की, जो कि है डिसिप्लिन। आपको पता है सेना में आप बहुत सर्विस कर रहे हैं, कर चुके हैं, डिसिप्लिन जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो डिसिप्लिन में दोस्तों आपका आता है नो रेडिंग एंट्री इन द रैंक ऑफ JCO एंड शुड नॉट इंकर एनी रेडिंग एंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम फॉर्मर सर्विस अंडर आर्मी एक्ट सेक्शन 48, जो कि इंटॉक्सिकेशन होता है, मतलब नशा। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों है कि नो रेडिंग एंट्री इन द रैंक ऑफ JCO, मतलब JCO के रैंक में आपकी कोई भी जो है वो
रेडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों जो सेकेंड सेंटेंस है वो आपको बताता है कि एनी रेडिंग एंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर फ्रॉम द फॉर्मर सर्विस, मतलब आर्मी एक्ट 48 यानी कि इंटॉक्सिकेशन के तहत, जैसे कि मान लीजिए आपके लिए जेसीयू बने हुए ओनली 2 साल ही हुए हैं और आप रिटायर जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी 3 साल पहले ओआर में जब आप होंगे हवलदार थे तब आपकी इंटॉक्सिकेशन के तहत आपकी चार्जशीट या फिर रेडिंग एंट्री हुई थी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में आपकी 5 साल की सर्विस पीछे देखी जाती है कि पिछले 5 साल में आपका क्या है, कोई भी रेडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए आर्मी एक्ट सेक्शन 48 के तहत। और सेक्शन 48 के अलावा अगर किसी भी आपकी जेसीओ में जो है वो रेडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं सर्विस की, तो सर्विस की कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं है। गैप पीरियड ये भी एक मेन चीज़ है दोस्तों, काफ़ी सारे हमारे जेसीओ जो हैं वो रिटायर जा रहे हैं और डीएससी में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं केवल इस गैप पीरियड के चक्कर में। तो गैप पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम फॉर्मर सर्विस एंड एनरोलमेंट इनटू डीएससी विल नॉट बी मोर देन 2 ईयर्स, मतलब आपने फॉर्मर सर्विस जो आप रेगुलर आर्मी में सर्विस कर रहे हैं उससे डिस्चार्ज और रिनरोलमेंट इनटू डीएससी, डीएससी में भर्ती होने से पहले आपको जो गैप है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 जनवरी 2022 के लिए रिटायर हुए हैं तो 1 जनवरी 2024 से पहले आपको जो है वो डीएससी ज्वाइन कर लेना है। अगर 1 जनवरी 2024 से 2 जनवरी भी आ जाती है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों मेडिकल कैटेगरी, तो मेडिकल कैटेगरी होनी चाहिए आपकी सेफ वन, ठीक है। चलिए यहां पर एक बी में एक पॉइंट और दिया है, इसको भी मैं क्लियर कर दूं। सेफ वन ब्रैकेट में दिया हुआ है दोस्तों जेसीओज प्लेस्ड इन एलएमसी बोथ टेम्परेरी और परमानेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स ऑफ फॉर्मर सर्विस प्रोसीडिंग द डेट ऑफ डिस्चार्ज इवन अपग्रेडेड टू सेफ वन बिफोर डिस्चार्ज ड्यू टू अल्कोहलिक डिपेंडेंसी सिंड्रोम आर नॉट एलिजिबल फॉर री एनरोलमेंट इनटू डीएससी। मतलब दोस्तों इसका यह है कि चाहे आप पिछले 5 साल में परमानेंट या फिर टेम्परेरी कैटेगरी रहे हैं और अब आप सेफ वन हो भी चुके हैं और जो पहले वाले जो आपकी कैटेगरी थी जिससे आप कैटेगरी हुए थे वो अल्कोहलिक डिपेंडेंसी सिंड्रोम के कारण हुई थी तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब लास्ट 5 ईयर में आपके लिए इस चक्कर से ये जो रीजन है इसकी वजह से आपको परमानेंट या फिर टेम्परेरी कैटेगरी हो गए हैं और आपके लिए 5 साल पूरे नहीं हुए हैं तो भी आप डीएससी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिजिकल टेस्ट दोस्तों जेसीयूज का होता नहीं है, ओनली इंटरव्यू होता है, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। उसके बाद में आते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट पे इंटरव्यू। तो जेसीयूज के केस में क्या होता है दोस्तों, इंटरव्यू होता है जिसमें एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है आपका कर्नल, मेंबर नंबर 1 और 2 होते हैं 2 लेफ्टिनेंट कर्नल, इंडिपेंडेंट मेंबर होता है दोस्तों आपका कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑब्लिक डायरेक्टर ग्रुप स्टेशन डीएससी और डायरेक्टर डीएससी, इसमें से आपका इंडिपेंडेंट मेंबर होता है, मतलब एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 3 मेंबर होते हैं। उसके बाद में आती है दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन, वैसे तो ये नॉर्मल चीज़ है लेकिन इसके लिए भी मैं बता देता हूँ आपको। तो पुलिस वेरिफिकेशन दोस्तों जो है वो एसएचओ और पुलिस स्टेशन से अगर आप लेकर आएंगे तो मान्यता नहीं होगी उसकी। पुलिस वेरिफिकेशन शुड हैव टू बी साइंड बाय द डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटी, मतलब आपका एसपी लेवल का जो आईपीएस ऑफिसर होगा अगर वही साइन करेगा आपकी पुलिस वेरिफिकेशन तभी जो है वो आपके लिए काम में आएगी और आपकी वैलिड होगी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों जेसीओज की, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें जो कि अभी हाल ही में रिटायर होने वाले हैं या फिर रिटायर होने के सोच रहे हैं। कल दोस्तों हम लेकर आएंगे इसी वीडियो को पार्ट 2 और उसमें हम डिस्कस करेंगे ओआर के केस में आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसी तरह की और नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।